हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि के द्वारा गुणा करना। आइए देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 में है, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर जो बोला गया है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, या शॉर्टकट में उसको ऊर्ध्व तिर्यक विधि भी बोलते हैं, इससे जो है हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इस टाइप का जो है इसमें हमको दो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक में जो है दो दो अंक वाला और एक जो है तीन तीन अंक वाला। तो इनका गुणा हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 23 × 32। अब इन दोनों का गुणा करना है तो हम इसको तीन स्टेप में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, यहाँ पर ये इकाई इकाई का गुणा करते हैं, 3 और 2, ये सीधा सीधा गुणा होता है क्योंकि यहाँ पर दो शब्द जुड़ा हुआ है, ऊर्ध्व यानी खड़ा नीचे से ऊपर और तिर्यक माने होता है तिरछा। तो यहाँ पर इन दोनों का हम गुणा करेंगे। फिर इसका सेकंड जो आएगा, इसमें दोनों का एक साथ होगा, 23 और 32। तो यहाँ पर तिरछा गुणा होता है, 3 का 3 से और 2 का 2 से। और तीसरा स्टेप हमको यहाँ पर मिलता है, दहाई का गुणा, 2 और 3, इन दोनों का गुणा होगा। तो अब देखते हैं ये होगा कैसे। 2 तिया यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ हम लिख देंगे 6। फिर इसके बाद 3 तिया 9 और 2 दुनी 4, तो ये 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 का लिखेंगे 3 और हासिल कितना आ जाएगा इसमें, 1। 13 का 3 यहाँ पर लिख देंगे, 13 का 3 और हासिल 1, और ये 3 दुनी 6 और ये हासिल यहाँ पर आ करके जो है जुड़ जाता है। तो 6 और 1 हासिल के साथ कितना हो जाएगा, ये 7। यानी कि 23 × 32 बराबर हमको कितना मिलेगा, 736। एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर इकाई का पहले गुणा, 2 तिया 6, फिर उसके बाद 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9, 2 का गुणा 2 से 2 दुनी 4, 9 और 4 13 का 3 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1। तो 13 का 3 यहाँ लिख दिए, हासिल बच गया 1। अब 3 का गुणा 2 से किए, 3 दुनी 6 और हासिल के साथ हो गया 7। तो इस प्रकार से 23 × 32 बराबर 736, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम ये 23 का हम यहाँ पर जो है बीजांक ज्ञात करेंगे। 23 का बीजांक कितना मिलेगा, 2 और 3 5। 32 का बीजांक ज्ञात करेंगे, 32 का बीजांक कितना मिलेगा हमको, 3 और 2 5। अब इसका बीजांक और इसका बीजांक दोनों का क्या कर देंगे, आपस में गुणा। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 5 × 5 = 25, और इसका बीजांक फिर निकाल देते हैं, कितना आता है, 7। अब 736 का बीजांक ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, 7 × 3 = 6, 7 और 3 = 10, 10 और 6 = 16, और 1 और 6 को फिर जोड़ देंगे तो कितना आया, 7। यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका गुणन का बीजांक, गुणक का बीजांक का गुणनफल किए और उसका बीजांक ज्ञात किए, कितना मिला, 7। और ये जो हमको गुणनफल मिला था 736, इसका भी बीजांक कितना आया, 7। यानी कि हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 44 × 52। ये स्टेप जो है शुरुआत में आपको एक दो बार लिखना पड़ेगा, बाद में जब ये अभ्यास में आ जाएगा तो स्टेप आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है।
फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप लिख करके बता रहा हूँ। तो सेकंड देखते हैं, यहाँ पर 44 गुणित 52, पहला स्टेप किसका किसका गुणा होगा, 4 और 2 का, ऐसा गुणा, 4 दुनी 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है, 44 52 दोनों का गुणा करेंगे, तिरछा गुणा होगा, 5 चौक 20 और 2 चौक 8 हो गया कितना, 28। 28 का यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, 8, यहाँ पर लिख देंगे 28 का 8 व हासिल कितना बचा, 2। अब तीसरा स्टेप किसका गुणा होने वाला है, 4 और 5 का, तो 5 चौक 20 और हासिल कितना बचा था, 2, कितना हुआ, 22, तो यहाँ पर लिख देंगे 22। अब यहीं पे डायरेक्ट इसको समझने का प्रयास करो, 4 दुनी 8, 5 चौक 20 और 2 चौक 8, 20 और 8 28, 28 का हमने क्या लिखा यहाँ, 8, हासिल कितना बचा, 2, 5 चौक 20 हासिल के साथ 2 हो गया 22। तो इस प्रकार से 44 गुणित 52 का गुणा करते हैं तो 2288 हमको मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 44 गुणित 52 बराबर 2288। अब हमको उत्तर की जांच करना है, तो सभी को मैं पूरा सिस्टम से नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर जो है करके बता देता हूँ। ये 4 और 4, इसका बीजांक कितना मिलेगा हमको, 8, 5 2, इसका कितना मिलेगा, 7। अब इन दोनों का हमको क्या करना होता है, गुणा, तो 8 सत्ते कितना आएगा, 56, इसका बीजांक कितना आएगा, 5 और 6 11, और फिर जोड़ देंगे तो 1 और 1 2। यहाँ पे गुण्य और गुणा के बीजांक का गुणनफल ज्ञात किए और फिर उसका बीजांक ले लिया, हमको कितना मिलता है, 2। यदि इसका बीजांक भी 2 मिल जाए तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं, 2 और 2 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 8 20। अब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ोगे तो इसका बीजांक भी कितना आ जाता है, 2, यानी कि दोनों ही कंडीशन में बीजांक बराबर आ रहे, इसलिए हमारा उत्तर कैसा होगा, सही होगा। तो ये जो है आपका सेकंड वाला हो गया। ऐसे ही अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट गुणा करके बताता हूँ, ये स्टेप जो है अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 92 गुणित 37, 92 गुणित 37 आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, 92 गुणित 37, यहीं पे डायरेक्ट देखते हैं, 7 दुनी 14। अब ये 14 का हम क्या लिखेंगे, 4, हासिल कितना बचा, 1। अब इसका 7 निया कितना, 63, और 3 दूनी कितना, 6, और ये हासिल था 1, सबको जोड़ देते हैं, 6 3 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 1 को 6 में जोड़ेंगे तो हो गया 7। अब ये 70 का क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0, हासिल कितना बच गया आपका, 7। अब इन दोनों का गुणा होगा, 9 तिया 27, और ये हासिल 7 है, दोनों को जोड़ देते हैं, 7 7 14 का 4, हासिल 1, 1 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3, ये मिल गया हमको यहाँ पर 34, यानी कि 92 गुणित 37 बराबर 3404, ये हमारा आंसर आया। अब देखते हैं कि ये जो आंसर आया है सही है या नहीं, तो इसका बीजांक ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 और 2 11, फिर से इसका बीजांक ज्ञात कर दें तो 1 और 1 2, इसका बीजांक 7 और 3 10, आगे फिर ज्ञात करें तो 1। अब ये जो दोनों बीजांक आया है इन दोनों का गुणा करते हैं, 2 एकम 2। अब इसका बीजांक भी अगर हमको 2 मिल जाए तो हमारा उत्तर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 3 और 4 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, फिर 4 जोड़ेंगे तो 11।
अब 11 का फिर से एक धन एक करेंगे तो कितना, दो। तो यहां पर भी जान और यहां पर भी जान दोनों बराबर है, यानी कि हमारा उत्तर कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। अब इसके बाद जो है चौथे नंबर का हम देखते हैं, 55 गुणित 55, ये आपका 55 और यहाँ पर भी 55 गुणा करेंगे। सबसे पहले किसका गुणा होगा, 5 और 5 का, तो 5 पंचे कितना मिलेगा हमको, 25। ये 25 का यहाँ क्या लिखेंगे, 5, हासिल कितना बचेगा, 2। अब तिरछा गुणा करेंगे, इस 5 का इससे गुणा, 5 पंचे 25, इस 5 का इससे गुणा, 5 पंचे 25, और हासिल कितना बचा था, 2। तो 25 और 25 50 और 2 52। अब ये 52 का यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, हासिल क्या बचेगा, 5। अब ये 5 का इससे गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, और ये हासिल के साथ कितना हो जाता है, 30। यहाँ पर लिख देते हैं 30। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 55 गुणित 55 बराबर हमको कितना मिलेगा, 3025। उत्तर की जांच कर सकते हैं, 5 और 5 10, कितना आया बीजांक, 1। यहाँ पर भी 5 5 10, बीजांक कितना आया, 1। इन दोनों का गुणा भी करोगे तो बीजांक कितना आएगा, 1। अब इसका बीजांक भी हमको 1 अगर मिलता है तो सही है। 3 और 0 3, फिर 2 जोड़ दिए 5, और फिर 5 जोड़ दिए 10। अब इस जो है 1 और 0 को जोड़ेंगे तो बीजांक कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों बीजांक जो है आपस में बराबर है, यानी कि हमारा उत्तर कैसा है, सही। तो इस टाइप का जो है हम लोग यहाँ पर जो है, जब दो दो अंक रहे, गुणने में भी गुणक में भी अगर दो दो अंक रहता है, तो हम इस तरीके से जो है गुणा भी कर सकते हैं और उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं, जब तीन तीन अंक दिया हो तब हम क्या करें। तरीका तो यही रहेगा, लेकिन इसमें जैसे 3 स्टेप में हमारा गुणा कंप्लीट होता था, अब जो है उसको हमको 5 स्टेप में करना पड़ेगा। तो देखते हैं 5 स्टेप में गुणा करेंगे तो कैसा होगा। तो इसमें जो है हम लोग लिखते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न में दिया गया है 123 गुणित 321। तो सबसे पहला स्टेप होगा 1 और 3 का गुणा, यह ऐसा गुणा होगा, 3 एकम 3, यहां पर लिखते जाते हैं 3 एकम 3। अब दूसरे में ये दोनों का दाएं तरफ से दोनों का मतलब इकाई दहाई का लेंगे, तो सेकेंड स्टेप हो जाता है हमारा 23 और 21। यहां पर हम तिरछा गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6 और 1 दूनी 2, कितना आया, 8। तो यहां पर लिख देते हैं 8। तीसरा स्टेप जो होता है यहां पर तीनों तीनों अंक का होगा, 123 321। अब यहां पर कैसे गुणा होगा, ये 3 का इससे, ये 1 का इससे, और ये मध्य वाले का मध्य से। 3 तिया 9, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, कितना आया, 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो ये 14 का क्या लिखेंगे, 4, वह हासिल कितना बचता है, 1। तो ये 14 का लिख दिया 4 और हासिल कितना बचा है यहाँ पर, 1। अब चौथा स्टेप हम ले जाते हैं, तो चौथा स्टेप में क्या होगा, ये दहाई सैकड़ा वाले का होगा, तो 12 और 32 का गुणा करेंगे यहाँ, 12 और 32 का गुणा, 3 का 2 से, 2 का 1 से, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और यहाँ जो हासिल बचा था 1 हासिल भी आ जाएगा, तो 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9। और पांचवा स्टेप जो है 1 और 3 का हो जाएगा, 1 और 3 का करेंगे तो 1 दिया 3, यानी कि 123 गुणित 321
बराबर आ गया 39483, यानी कि 39483। एक बार रिपीट करते हैं, एक तिया तीन। अब उसके बाद दो दो अंक का लेना है, तो एक दूनी दो और दो तिया छः, तो छः और दो आठ हो गया। अब तीनों का लेंगे तो तीन तिया नौ, एक एकम एक, नौ एक दस हुआ और दो दूनी चार, 10 4 14 का चार, हासिल आया एक। अब इधर दो अंक का, तीन दूनी छः और दो एकम दो, छः दो आठ, और हासिल एक था नौ। और लास्ट वाला तीन का एक से करेंगे तो तीन एकम तीन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले एक अंक का ऊर्ध्व गुणा, फिर दो अंक का तिर्यक गुणा, फिर तीनों अंक का ऊर्ध्व भी और तिर्यक भी, फिर इधर का दो अंक तिर्यक, फिर अंतिम वाला जो है आपका आ जाता है ऊर्ध्व वाला। तो यहाँ पर जो है पांच स्टेप में जो है गुणा हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखते हैं कि गुणा तो कंप्लीट कर लिए, अब उत्तर सही है या नहीं उसको भी चेक करते हैं। तो इसका जो है बीजांक कितना जाएगा, 3 2 5 और 1 6। इसका बीजांक 3 2 5 और 1 6। अब ये दोनों बीजांक का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 6 6 का 36। अब इसका बीजांक कितना मिलेगा, 9। देखते हैं इसका बीजांक भी अगर 9 आ गया तो हमारा उत्तर सही है। तो आपको पता है 9 को तो नहीं जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कॉमन तरीके से बता रहा हूँ। 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 8 27। अब ये 27 का फिर से बीजांक ज्ञात करें तो 2 धन 7 करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर दोनों का बीजांक आपस में कैसा है, बराबर, यानी कि हमारा उत्तर जो है सही है। यहाँ पे जो है आसानी से इसमें भी कर सकते हैं, बस आपका स्टेप जो है गलत नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। इसी में और हम देख लेते हैं, और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो आप देखिए छठवां क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसमें, 416 × 232। अब यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है 2 और 4 का करूँ, 2 चौक कितना हो गया, 8। अब ये दो दो अंक का करेंगे तो 3 चौक 12 और 2 एकम 2 कितना हुआ, 14। ये 14 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4, और हासिल क्या बचेगा, 1। अब तीनों का लेना है, तीनों अंक का लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 3 एकम 3, और हासिल था 1। तो 8 8 16 3 19 और 1 20। अब ये 20 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0, हासिल कितना बचेगा, 2। अब इधर वाला दो अंक लेंगे, 4 3 12 और 2 एकम 2, तो 12 2 14 और 2 16। 16 का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 6, हासिल कितना बचेगा, 1। अब ये अंतिम अंक 4 2 8 और ये 1 हो जाता है 9। एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, 4 2 8, फिर दो दो अंक का, 3 चौक 12 और 2 14 का 4, हासिल कितना बचा, 1। अब तीन तीन अंक, 4 2 8 4 2 8, 8 8 16 हो गया, और 3 एकम 3, 16 3 19 और हासिल के साथ 20 का क्या लिखे यहाँ पर, 0, हासिल कितना आया आपका, 2। अब इधर का दो अंक, 4 3 12 2 एकम 2 12 2 14, 14 और ये 2 कितना हो गया, 16 का 6, हासिल कितना आया, 1। अब अंतिम वाला 4 2 8, 8 और 1 9। तो इस प्रकार से जो है 414 × 232 बराबर हो गया आपका 96048, यानी कि 96048। अब उत्तर की जांच करते हैं, 4 4 8 और 1 9, 3 2 5 और 2 7, दोनों का गुणा किए, 9 7 63, बीजांक कितना, 9। अब यहाँ पर देखो,
9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27। अब इसका भी बीजांक फिर ज्ञात कर दें तो 2 और 7 9, यहां पर बीजांक और यहां पर बीजांक दोनों बराबर हैं, यानी कि हमारा उत्तर कैसा है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर का क्वेश्चन। अब सातवां नंबर के क्वेश्चन में दिया क्या है हमको, ये दिया है 504 गुणित 618, ये है आपका सातवां क्वेश्चन। अब यहां पर भी वही प्रक्रिया, 4 8 कितना आ जाएगा, 32। 32 का हम क्या लिखेंगे, 2, हासिल कितना बचेगा 3। अब 2 अंक लेंगे, 8 का 0 से यानी कि 0, 1 का 4 से यानी कि 4, 4 और 3 7, और 7 तो पूरा यहां पे लिखा जाएगा। अब तीनों अंक लेंगे, तीनों अंक मतलब 8 का 5 से गुणा, 8 5 40, 6 का 4 से गुणा, 6 चौक 24, 1 का 0 से गुणा 0, तो ये हो गया 4 और 4 2 6, 64 का हम लिखेंगे यहां पर 4, हासिल क्या बचेगा हमारा 6। अब इधर का 2 अंक तो 5 एकम 5, 6 शून्यम 0, तो 6 5 11, और इस 11 का हम क्या लिखेंगे यहां पर 1, और हासिल कितना बच जाएगा 1। अब इधर का अंतिम अंक 6 5 30 और 1 31, यानी कि 504 गुणित 618 बराबर जो है ये आ गया आपका 311,472। देखते हैं गुणा करके, ये 504, इसका बीजांक कितना 9, इसका बीजांक 8 और एक 9 6 15, फिर से एक बार ये कर दें 6, तो इसका 9 इसका 6 दोनों का गुणा करते हैं, तो 6 निया 54, फिर इसका बीजांक कितना आ जाएगा 5 और 4 9, इसका बीजांक ज्ञात करके देखो, 3 और 1 4, 1 5, 4 9, 9 और 7 16, 2 18, फिर इसका बीजांक ज्ञात करें तो 1 धन 8 यानी कि 9, तो यहां पर ये दोनों बीजांक कैसे आ रहे हैं, बराबर, यानी कि हमारा उत्तर सही है। एक बार रिपीट करना चाहें कर सकते हैं, 8 चौक 32 का 2, हासिल 3, 8 शून्यम और एक चौंक, तो ये हो गया 4 और ये 3 7, 3 अंक लेते हैं, 8 पंचे 40, 6 चौंक 24 और ये 0, तो ये हो गया 4, ये 6 64 का 4, हासिल कितना बच गया 6। अब इधर का 2 अंक, ये 0 और ये 5, 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल कितना आया 1, 6 पंचे 30 और 1 31, तो ये जो है आंसर और उत्तर की जांच भी हम कर चुके हैं। अभी अंतिम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 812 गुणित 453, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, अब 2 2 अंक लेंगे, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, कितना हुआ 13, 13 का क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, हासिल कितना बचेगा 1। अब यहां पर तीनों अंक लेते हैं, तो 8 तिया 24, 4 दुनी 8 और 5 एकम 5, 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18 का 8, हासिल 1, 1 और ये 2 हो जाएगा कितना 3, 38, 38 का क्या लिखे 8, हासिल कितना बच गया 3। अब इधर का 2 अंक लेंगे, 8 5 40, 4 एकम 4, अब जोड़ दो 4 और 3 7 और ये 4, 47 का हम क्या लिखने वाले हैं 7, हासिल क्या बच गया 4। अब अंतिम एक अंक लेंगे, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाता है 36, तो यहाँ पर लिख देते हैं 36, यानी कि 812 गुणित 453 बराबर हो गया ये आपका 367,836।
उत्तर की जांच करें, 8 1 9 और 9 और 2 11, फिर से 1 और 1 2, इसका कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 1 और 2 को जोड़ के 3। अब इन दोनों का गुणा तो 2 3 6। अब ये गुणनफल का बीजांक भी अगर 6 आता है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 3 और 6 कितना, 9, 9 और 7 16, 16 और 8 16 4 20, 4 24, 24 3 27, 27 3 30 और 3 33, और फिर 3 और 3 को जोड़ दें कितना, 6। तो यहाँ पर गुण्य और गुणक के बीजांक का गुणनफल मिला 6 और उसका भी बीजांक 6, और गुणनफल जो प्राप्त हुआ है उसका भी बीजांक 6, यानी कि हमारा उत्तर कैसा है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऊर्ध्वतिर्यक विधि के द्वारा जो है गुणा करना बड़ा आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।